सावन का महीना है और ना झमझम बारिश हो रही है और मौसम बहुत सुहाना है। और इस सुहाने मौसम में मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि पूरा तुम देसी स्टाइल में आलू का सरसों वाला सब्जी बनाओ। तो मैं सोची कि चलो अब हस्बैंड ने बोला है तो ये तो बनना ही चाहिए। और ये सब्जी तो इतनी टेस्टी बाद में बन के तैयार हुई जितना कि मैंने उम्मीद भी नहीं किया था। और यहाँ देखिए मैंने आलू को छील के कट कर लिया है और यहीं पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाले को मैंने डाला है, जिसमें कि मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मेरे जो बगीचे में करी पत्ता है, टमाटर है, ये सारा इसमें मैंने रख लिया है और रफली चॉप किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं किया है, पूरे देसी स्टाइल में बनाना है और बहुत यम्मी सा ये सब्जी बनके तैयार होगा। साथ में यहाँ पर है टमाटर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सरसों और ये दो चार लहसुन की कलियाँ। आप थोड़ा ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए पंच फोरन है और सरसों तेल है, तो समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी मतलब इसकी सब्जी बनने जा रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा दो चुटकी हींग डाल देंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी जो सब्जियाँ हैं ना बहुत मन को भाती हैं और रिमझिम सावन की फुहारे हैं तो कुछ अच्छा खाना तो बनता है। तो पराठा, अचार और ये वाली सब्जी आज का यही मेरा रेसिपी है। और यहाँ पर मसाला पिस चुका है और आज ना थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। आलू को पहले बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, पहले मसाला को खूब बढ़िया से भुनेंगे और छोलनी से चलाते रहेंगे। और यहाँ देखिए इस तरीके से सब कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कभी भी सब्जी बनाते हैं ना हम लोग, तो अगर आप उसमें ऐसे मसाला मिक्स करके रखिएगा ना तो बहुत अच्छा सा कलर आता है। और यहाँ पर अब मैंने स्वादानुसार डाल दिया नमक। नमक आप अपने अनुसार डालें, आपको जैसा खाना है, आपको कम खाना है कम डालिए, ज़्यादा खाना है ज़्यादा डालिए, लेकिन इन सारी सब्जियों में ना नमक कम रहता है तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। और यहाँ पर जितनी सारे आलू है, करी पत्ता, प्याज है, टमाटर है और साथ में मसाले, सभी को एक साथ क्या करेंगे, भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार आता है इसका कलर और बहुत अच्छा आता है। यहाँ देखिए मसाले का जो पानी था थोड़ा जार में बचा हुआ वो भी इसमें डालेंगे। और अब करना क्या है, आपने देखा ना मैंने आलू बिल्कुल फ्राई नहीं किया अभी, और अब इस मसालों के साथ इसको चला देंगे। फ्लेम को रखेंगे हाई, फिर करेंगे मीडियम और फिर करेंगे लो। कहने का मतलब जब थोड़ा सा पानी इसमें देंगे ना तो फर्स्ट फ्लेम जो रहेगा हाई रहेगा और कवर करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद मीडियम करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद लो करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। और ये आलू भी इसी में धीमे धीमे भुनेगा मसाले के साथ और मसाला भी इसमें भुनेगा, मतलब इस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा अंतर कर दिया है आज। और यहाँ मैंने फ्रेश दही लिया है, तो यहाँ खट्टा दही बिल्कुल ना ले, एकदम फ्रेश दही ले, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोज़ खाते हैं तो हमारे यहाँ ना फ्रेश दही ही रहता है। और ये देखिए इस मसाले में ही मसाला भी मतलब लगभग भुन गया और इसी मसाले में ये आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, फ्राई तो नहीं कहेंगे मतलब उसमें लटपट होकर के पूरा अच्छे से ये भुन गया है और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो मतलब जब भी इस तरीके का मौसम हो ना तो ये वाली सब्जी, और आप चाहें ना अगर आप चावल के शौकीन हैं तो आप चावल के साथ भी ये सब्जी का एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में ना ये डाल दिया मैंने दही, फ्रेश दही। और अब क्या करेंगे, सब्जी को खूब अच्छे से इस दही के साथ भी भुनेंगे। हाँ, डरने की यहाँ कोई बात नहीं, कितना लोग कहते हैं ना कि दही डालने से मतलब फट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं हमेशा बनाती हूँ। और ये मसाला भुन गया है, थोड़ा आलू को दबा के देख लेते हैं कितना तक सीझा है। और ये अपने छोटे से गमले में मैंने ना पुदीना का पत्ता जो है ना, ये पुदीना मैंने लगा लिया था, ये लाए थे ना तो उसी का डाल लगा दिए तो पुदीना का पत्ता ये लग गया, पौधा लग गया, अब मुझे बहुत आसानी हो रही है। चलिए
और यहाँ पर ना अब तो मसाला का कच्चापन रहा नहीं, और आलू भी ना बहुत अच्छे से इसमें भून चुका है, मतलब बहुत अच्छा हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मसाला में तो कच्चापन है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, पानी डालेंगे। आप अगर ग्रेवी पतला रखना चाहते हैं वैसा डालिए, मोटा रखना चाहते हैं वैसा डालिए, और अगर मिला जुला रखना चाहते हैं वैसा रखिए। और चलिए इसको कवर कर देते हैं। और ये रहा पुदीना का चार पत्ता, मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि अपने ना मतलब कि किचन गार्डन से छोटा बड़ा कोई भी चीज़ हम लगाते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। मतलब मार्केट से हम उतनी सारी चीज़ खरीदते हैं, उतनी खुशी नहीं होती जितना कि अपने बगीचे से तोड़ा हुआ है ना। तो आप लोग भी लगाएं छोटे छोटे पौधे। और यहाँ देखिए थोड़ा सा आलू को अब दबा के देख लेते हैं, लगता है थोड़ा सा और होगा। चलिए थोड़ा देर और होने देते हैं, और लगभग सब्जी बन चुकी है। चलिए अब सब्जी बन गई, तो इसको क्या करते हैं, किसी साफ से कंटेनर में निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा अब जब हम मतलब खाने के लिए अब तैयार हो गया है ये सब्जी। बहुत प्यारा सा सब्जी बन के तैयार हो गया है, और बस वही आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो मतलब ना आप लोग ज़रूर से बताइएगा इस झमाझम बारिश में ये सब्जी आप लोग भी बनाते ही होंगे, मेरे ख्याल से तो सारे आप लोग बनाते होंगे। और बस वही मैंने रिप्रेजेंट किया है, और बस एक थोड़ा सा यही तरीका बताया है कि आलू को मैंने ना फ्राई नहीं किया है। और यहाँ पर मैं पुदीना का पत्ता ले आई हूँ, और बस इसको इसमें डाल दिया है। तो पुदीना का सुगंध जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है भाई, बहुत प्यारा लगता है। आप लोग भी अपने अपने गमले में पुदीना का ना पौधा ज़रूर से लगा लीजिए, उसका डाल भी अगर लगा दीजिएगा ना कहीं, तो वो लग जाता है। और ये देखिए मैंने ना पतली ग्रेवी वाली ये आलू सरसों की बहुत ही फैंटास्टिक डिलीशियस यमी सी टेस्टी सी रेसिपी बनाई है, सब्जी बनाई है, तो लाइक तो बनता ही है। आइए सभी मिलजुल कर खाते हैं, है ना, क्योंकि ये सब्जी तो मिलजुल कर खाने ही वाला है। और बन गया है इधर पराठा, और मैं जा रही हूँ एकदम देहाती स्टाइल में पराठा अचार और ये सरसों वाली प्यारी सी जो सब्जी बन के तैयार है, साथ में पुदीना का पत्ता है। तो बस यही मैं अब खाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा सा पहले मैं एनिमल्स के लिए निकाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा कट कर देती हूँ, और अग्नि में भी मैं दे दिया है। और ये रहे फ्लावर बहुत प्यारे प्यारे से, तो बहुत सारे पत्ते फूल दुभी और बेली सदाबहार, ओलियंडर फ्लावर, पिंक वाला ओलियंडर है, और वो शायद गोरी चोड़ी कहते हैं उसको, पीला वाले को, और उरहुल, और पत्ता सबसे तो मुझे बहुत स्नेह है, जितना फूलों से उतना ही पत्ता से बब। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सब्जी है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी, है ना। टिप टिप बरसता पानी और झमझम इस बारिश में बाहर थोड़ा बैठें, और वाइफ हस्बैंड बच्चे और परिवार के जो भी आदमी हैं सभी मिलकर के इस सब्जी का ज़रूर एंजॉय करें। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ये रिक्वेस्ट है मेरा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।